नमस्कार दर्शकों, एच टुडे में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चुनावी बेला में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं दीपिका। तो अभी हम हैं वार्ड नंबर 11 में ही, जहां से देवीदास शहनशाह जो हैं वो यहां से पार्षद पद के लिए खड़े हैं। तो आइए हम उनसे जानते हैं कि उनको चुनाव चिन्ह जो है वो क्या मिला है और लोगों का कैसा रिस्पॉन्स है। जब वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो उनका कैसा रिस्पॉन्स उनको मिल रहा है। नमस्कार सर, एच टुडे में आपका स्वागत है। पहले तो आप लोगों का वेलकम वार्ड नंबर 11 में। मैं वार्ड नंबर 11 से पार्षद के लिए खड़ा हूँ। मैंने सर आपको चुनाव चिन्ह जो है वो क्या मिला है? मेरा जो चुनाव चिन्ह है वो ताला चाबी है। दो नंबर पे का बटन जो है दबा कर कामयाब बनाए। मैं वार्ड नंबर 11 से यही वासियों से यही उम्मीद करता हूँ कि वो मुझे इस बार सफल बनाए। मैं दो बार तीन बार राउंड लगा चुका हूँ। लोगों का मुझे पूरा सहयोग व आशीर्वाद मिल रहा है और लोग मुझे तय दिल से ही कामयाब करने के लिए बैठे हुए। अच्छा सर, हमें ये बताइए कि जैसे आप बाढ़ में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो लोगों का कैसा सहयोग है और वो क्या जो मेन समस्याएं हैं उनको आ रही हैं अभी तक, तो क्या समस्याएं जो हैं वो आपके समक्ष रख रहे हैं? वो लोगों का तो सहयोग भरपूर मिल रहा है, मगर लोगों की समस्या जो है वो सीवरेज है, रोड है, कुछ पानी की प्रॉब्लम है, पार्क की कोई सुविधा नहीं है। तो ये हम लोगों को दिलासा दिला रहे हैं, जैसे ही हम कामयाब होंगे तो इन 4-5 सालों में पूरा करने की कोशिश करूंगा। अच्छा सर, हमें ये बताइए कि आप क्या प्राथमिकताएं लेके जो हैं वो चल रहे हैं? प्राथमिकताएं यही हैं, सीवरेज और रोड की समस्या जो है, कहीं कहीं नालियाँ नहीं हैं, कहीं रोड नहीं है, सारा हौज पौच में बना हुआ है, रास्ते कंटिन्यू बनाए हुए नहीं है, कहीं बना दिए हैं, कहीं छोड़ दिए हैं, तो उनको ऑल ओवर जो है वो कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। ओके, धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे शहनशाह जी वार्ड नंबर 11 से, जिन्होंने बताया कि वो लोगों के जो भी लोगों द्वारा समस्याएं उठाई जाएंगी उनको पूरी ईमानदारी के साथ जो है वो पूरा करेंगे और ये वार्ड नंबर 11 का पूरा सहयोग मांग रहे हैं। और इनका ताला चाबी जो है वो इनका चुनाव चिन्ह है। धन्यवाद।